हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे प्रोटीन रिच हाई फाइबर सैलड। अगर आपके पास मूंग के स्प्राउट्स है और बीट रूट भी है तो ये रेसिपी आप आसानी से बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं रेसिपी। पहले हम मूंग स्प्राउट्स को पकाने वाले हैं। उसके लिए इस उबलते हुए पानी में डालेंगे 2 कप अंकुरित मूंग यानी कि मूंग स्प्राउट्स। एक बार मिक्स कर लेते हैं। मूंग को ज्यादा सॉफ्ट होने तक बिल्कुल भी नहीं पकाना है। पानी पहले से ही उबला हुआ था, इसलिए धीमी गैस पर 5 मिनट के लिए ही इसे पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए किस तरह से मूंग पक गए हैं। ज्यादा सख्त भी नहीं है और ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। अब इसमें से बाकी का सारा पानी निकाल लेंगे। इस तरह से सैलड बनाने के लिए मूंग रेडी है। तो देखते हैं आगे के स्टेप्स। एक पैन में डालेंगे 2 चम्मच तेल, उसमें डालेंगे 1/2 कप कटा हुआ प्याज। प्याज को ज्यादा नहीं पकाना है, धीमी आंच पर ही इसे पकाएंगे। प्याज को इस तरह से ट्रांसलूसेंट होने तक ही पकाना है। अब इसमें डालेंगे कटी हुई 2 हरी मिर्च, मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए पकाएंगे। गैस की फ्लेम धीमी रखें। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप कटा हुआ गाजर, 1/2 कप कटा हुआ टमाटर, कद्दूकस किया हुआ 1 पूरा बीटरूट, पकाए हुए मूंग स्प्राउट्स, 1/2 चम्मच या स्वादानुसार नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इन स्पाइसेस से सैलड को एक चटपटा टेस्ट आ जाएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे 2 मिनट के लिए मीडियम से लो गैस पर पकाएंगे। सैलेड बस अब तैयार ही हो चुका है। अब इसमें 2 बड़े चम्मच धनिया के पत्ते डालेंगे और 1/2 बड़ा चम्मच नींबू का रस डालेंगे। गैस को बंद कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से विटामिन से भरपूर अंकुरित मूंग और बीटरूट का कलरफुल सैलेड रेडी है। वेट लॉस के लिए बढ़िया रेसिपी है। इसे लंच या डिनर में या साइड डिश के लिए भी बना सकते हैं। ये सैलड बना के और टेस्ट करके कैसा लगा, इसका फीडबैक मुझे कमेंट में जरूर दीजिए। और भी सैलड रेसिपीज के लिए आप मेरे चैनल पर सैलड रेसिपी की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।